अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मिस किंजा बिलाल और मैं आपके लिए कैलकुलस 2 के शॉर्ट लेक्चर्स लेकर आई हूँ। कैलकुलस 2 में आपके पास टोटल 40 या 45 लेक्चर्स होंगे, जिनका 50% आपके मिड टर्म सिलेबस मिड टर्म एग्ज़ाम में शामिल होता है और बाकी जो 50% है वो आपका फाइनल टर्म में आएगा। और मिड टर्म के सिलेबस में से भी 20-30% पेपर फाइनल टर्म में आता होता है। इसके अलावा आपके इस सेशन में जो असाइनमेंट्स और क्विज़ होंगे उनसे रिलेटेड भी हम डिस्कशन करेंगे अपने लेक्चर्स के अंदर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 1 से। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कैलकुलस किसे कहते हैं। कैलकुलस इज़ अ टूल यूज टू एनालाइज चेंजेस इन फिज़िकल क्वान्टिटीज़। कोई भी ऐसी क्वान्टिटी जो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही हो, उस चेंज को स्टडी करने के लिए जो टूल यूज़ होता है उसे हम कैलकुलस का नाम देते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है कि मैथमेटिक्स ऑफ मोशन एंड चेंज, के अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, जैसे हम अक्सर फिजिक्स में पढ़ते हैं, या कोई जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उसकी स्टडी भी हम कैलकुलस के अंदर करते हैं। उसके बाद थर्ड डेफिनेशन आती है, इट इज़ यूज्ड वेयर वेरिएबल फोर्सेस आर एट वर्क प्रोवाइडिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होता है जब फोर्स जो है वो चेंज हो रही हो, तो ये इससे रिलेटेड स्टडीज़ भी सारी किसके अंदर आ जाती हैं, कैलकुलस के अंदर। अब कैलकुलस 2 तरह का होता है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर हम ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं जो जिनमें रेट ऑफ चेंज इन्वॉल्व हो या स्लोप ऑफ कर्व इन्वॉल्व हो। रेट ऑफ चेंज से क्या मुराद है? इसमें हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे एक्सेलरेशन है वो चेंज हो रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर। डिस्टेंस जैसे जैसे चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन चेंज होता है। तो कोई भी दो क्वांटिटीज़ जो चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उनकी स्टडी आ जाती है डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर। उसके अलावा हम स्लोप रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर स्टडी करते हैं। अगर आपने किसी हिल की या किसी इस तरह की चीज़ की आपने स्लोप फाइंड करनी है, किसी कर्व की स्लोप फाइंड करनी है, तो उसको भी आप डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इंटीग्रल कैलकुलस की, तो इसके अंदर ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ डील किया जाता है जिनमें कोई फंक्शन इन्वॉल्व हो। अगर कोई फंक्शन जो है वो हमें रेट ऑफ चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो उस फंक्शन की स्टडी जो होगी वो इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर होगी। जैसे एग्जांपल देख लें, फाइंडिंग लेंथ ऑफ कर्व, एरिया, वॉल्यूम, मास। यहाँ पे हमने सिर्फ देखा कि जो चेंज है वो किस तरह से आ रहा है, और उस चेंज के नतीजे में एरिया हमने अगर कैलकुलेट करना है या वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं? इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर। उसके बाद कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमने रिवाइज करना है, उसके बाद हम अपने न्यू टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है रेफरेंस एक्सिस सिस्टम। इसके अंदर क्या है? वही जो हम शुरू से एक एक्स वाई प्लेन पढ़ते आ रहे हैं, उसी को हमने रिवाइज करना है कि एक जो नंबर लाइन होती है, अगर आपको याद हो, नंबर लाइन का एक सेंट्रल पॉइंट होता है जो ज़ीरो पे लाया करता है, इसे हम ओरिजिन का नाम देते हैं। अब ज़ीरो से राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, और अगर हम ज़ीरो से लेफ्ट साइड पे मूव करें तो इस साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, और इसके अंदर रैशनल और इरेशनल सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं, और दोनों जब नंबर्स मिल जाते हैं तो वो रियल नंबर्स बना देते हैं, यानी रियल नंबर्स के अंदर रैशनल और इरेशनल लाए करते हैं। अब रियल नंबर्स आर यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। यूनियन का मतलब क्या होता है? कि आपने इकट्ठा करके उनको लिख देना है। तो रैशनल और इरेशनल को जब आप एक साथ मिला के लिख देंगे, तो इसका मतलब है कि आपने रियल नंबर्स का सेट लिख लिया है। उसके बाद देखें जी, एब्सिसा किसे कहते हैं? इन एन ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसके अंदर दो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई, उसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है एक्स उसको हम कहते हैं एब्सिसा, और जो सेकेंड टर्म है वाई उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। एक ऑर्डर्ड पेयर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेयर है जिसकी वैल्यू है हमारे पास 2, 3, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि x की जगह पे 2 आ रहा है और y की जगह पे 3 आ रहा है, तो 2 इज द एब्सिसा एंड 3 इज ऑर्डिनेट।
कुछ मजीद पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले है व्हेन इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन का मतलब है कि सिर्फ टू डी के अंदर अगर हम देखें, एक्स वाई प्लेन के अंदर देखें, वी टेक टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, दे आर कॉल्ड एक्सेस। ये नीचे आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा होगा, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। तो इस तरह की दो लाइंस जो अब आपस में मिलती हैं तो उनको हम एक्सिस का नाम देते हैं। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं यूजली, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ओरिजन। ये पॉइंट जहाँ पे ये दोनों लाइंस मिल रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसे हम ओरिजन का नाम देते हैं। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो होती है और वाई की वैल्यू भी ज़ीरो होती है। अब ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि जब दो लाइंस हम म्यूचुअली आपस में मिला देते हैं, इस तरह से वो इंटरसेक्ट कर रही हो एक दूसरे को, तो चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। जैसे फर्स्ट को हम क्वाड्रेंट वन कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ये जो ओरिजिन है, हमने देखा था नंबर लाइन पे कि ओरिजिन से राइट साइड पे सारी एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे आ जाएं तो इधर सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो इसलिए हम राइट साइड पे इसको नाम दे देते हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और नेगेटिव साइड पे इसको नाम देते हैं कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इसी तरह से अगर हम ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएँ तो आपके पास वाई एक्सिस की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, और अगर आप ओरिजिन से नीचे की तरफ आएँ तो आपके पास वाई एक्सिस की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। और यहाँ पे आप पेयर्स को भी देख सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट पेयर्स हैं, यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी पॉजिटिव होता है क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ रहा है और पॉजिटिव वाई एक्सिस आ रहा है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो वाई एक्सिस तो पॉजिटिव है लेकिन एक्स की नेगेटिव साइड आ जाती है, इसलिए हम पॉइंट को माइनस एक्स वाई लिखते हैं। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, तो इधर पॉइंट जो बनता है वो माइनस एक्स माइनस वाई होगा। और सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि -2, 4 इसकी पोजीशन बताएं कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर ये लाई कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक्स नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रही है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। अच्छा जी, इन टू डायमेंशनल सिस्टम द ओरिजिन इज 0 0। ये जो हमने यहाँ पे देखा ओरिजिन, तो मैंने यहाँ पे पहले भी एक्सप्लेन किया है कि x एक्सिस की वैल्यू भी 0 होती है, y एक्सिस की वैल्यू भी 0 होती है, यानी इस पॉइंट को हम 0 0 से शो करते हैं। और अगर हम बात करें थ्री डायमेंशनल सिस्टम की, यानी 3D की, और उसका दूसरा नाम स्पेस भी है, उसे हम 3D भी कह सकते हैं और स्पेस भी कह सकते हैं, उसके अंदर तीन एक्सेस होते हैं, एक्स वाई जी। जो थर्ड एक्सेस है उसको हम क्या कहते हैं, जी एक्सिस कहते हैं। और इसके अंदर ओरिजिन के भी तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे और तीनों ज़ीरो पे होते हैं, एक्स भी ज़ीरो होता है, वाई भी ज़ीरो होता है और जी भी ज़ीरो होता है। अब जब हमारे पास दो एक्सिस थे तो हमारे पास फोर पार्ट्स में ये डिवाइड होता है एक प्लेन, तो इसलिए हम इसे क्वाड्रेंट कहते हैं। और जब हमारे पास तीन एक्सिस होंगे, एक्स वाई और जी, थ्री एक्सिस आ जाएँ तो वो एट पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, इसलिए हम उसे ऑक्टेंट्स का नाम देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे साइंस भी मेंशन है। फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर एक्स वाई जी तीनों पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड ऑक्टेंट के अंदर एक्स नेगेटिव होता है, वाई और जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सिमिलरली थर्ड, फोर्थ और ये एट तक सारी वैल्यूज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम फंक्शंस की। फंक्शन किसे कहते हैं? फंक्शन क्या करता है? डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर। अगर आप देखें कि कोई भी एक क्वांटिटी दूसरी के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो जो पहली क्वांटिटी है वो क्या है, दूसरे का फंक्शन है। क्वांटिटी एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द क्वांटिटी वाई इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी हमारे पास अगर लिखा हुआ है कि वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो क्या ये एक फंक्शन है? हाँ जी, ये एक फंक्शन है, क्योंकि अगर हम एक्स की कोई वैल्यू पुट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास वाई की एक वैल्यू आएगी, ठीक है जी। अब वाई क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, तो एक्स जो है वो इनडिपेंडेंट है क्योंकि हम इसकी वैल्यू खुद पुट कर रहे हैं, और वाई जो है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम देते हैं क्योंकि ये डिपेंड करता है एक्स एक्सिस के ऊपर। थर्ड पॉइंट है, वी राइट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये जो वाई है ये हमेशा इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स के, तो एफ ऑफ एक्स लिखा हो या वाई लिखा हो दोनों सेम है। वी रीड
इसको हम पढ़ते कैसे हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ईच वैल्यू असाइन टू x डिनोट अ यूनिक वैल्यू ऑफ y. फंक्शन में ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी हम किसी इक्वेशन को, किसी एक्सप्रेशन को फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, तो आपने इस बात का ख्याल रखना होता है कि x की एक वैल्यू पुट करने से y की भी एक ही वैल्यू आए. अगर y की एक से ज़्यादा वैल्यूज आएंगी तो वो फंक्शन नहीं होगा. जैसे एग्जांपल देखें, a इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एरिया है फंक्शन का वो डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर. तो रेडियस जो है ये क्या होगा, इनडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एरिया डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. और इसे हम पढ़ेंगे एरिया इज़ द फंक्शन ऑफ रेडियस. इसी तरह से अगर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला देखें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एक्स क्यूब. एक्स पे डिपेंड कर रही है v की वैल्यू. x इज़ एन इनडिपेंडेंट वेरिएबल एंड v इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल. और इसको हम पढ़ते हैं v इज़ अ फंक्शन ऑफ x. इसी तरह से अगर हम देखें कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, अभी हमने ऊपर देखा कि फंक्शन में सिर्फ एक वेरिएबल होता है, ठीक है, लेकिन फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट भी और इंडिपेंडेंट भी. जैसे एग्जांपल देखें, एरिया अगर हम रेक्टेंगल का लेते हैं, ये जो ऊपर हमने एरिया डिस्कस किया है ये था सर्कल का. अगर हम रेक्टेंगल का एरिया देखें तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एरिया है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है. तो अब एरिया जो है वो फंक्शन है लेंथ का भी और विड्थ का भी. लेक्चर नंबर 2 के अंदर भी फंक्शन का ही टॉपिक कंटिन्यू किया है उन्होंने. सबसे पहले बात कह रहे हैं कि अगर आप किसी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो उसको आप कैसे फाइंड करेंगे. फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1, और आपसे कहा जाता है कि f ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करें. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ x आ रहा था उसकी जगह पे 1 आ रहा है. तो दूसरी साइड पे भी जहाँ x था उसकी जगह आप 1 पुट कर दें और उसको सिंप्लीफाई कर लें. इस x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि x का स्क्वायर था. तो 2 - 1 ये आपके पास आंसर दे देगा 1. तो ये आपके पास क्या आ गया, एक फंक्शन की वैल्यू आ गई है, ठीक है. इसी तरह से अगर कहा जाए कि f ऑफ -2 फाइंड करें, तो अब x की जगह पे पुट कर दिया हमने -2, तो दूसरी साइड पे भी इस x की जगह आपने -2 पुट करना है. 2 - -2 का स्क्वायर -1, 2² 4 हो जाएगा, 4 × 2 = 8, -1 दैट इज 7. सिमिलरली अगर आपको f4 फाइंड करने का कहा जाए तो आपने x की जगह पे क्या पुट कर देना, 4 पुट कर देना. फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, ऊपर हमने देखा है कि एक ही वेरिएबल है x. अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन आ जाता है जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हों, तो एक को तो हम एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अगर दो होंगे तो उसे हम एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी वो आपने पूरा पॉइंट लिख देना आगे. और दूसरी साइड पर भी आप देख सकते हैं कि x और y दो वेरिएबल्स आ रहे हैं. अब अगर कहा जाए कि एफ ऑफ 2 - 1 फाइंड करें, तो इसका मतलब है कि x की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है, और y की जगह पे आपने 1 पुट कर देना है. तो इस साइड पे भी जहाँ x आ रहा था, ये x का स्क्वायर है तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 पुट की है, 2 का स्क्वायर लिख दें. इसी तरह से यहाँ 1 + 1, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. एग्जाम्पल देखें, एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई. आपसे कहा गया है कि आपने f ऑफ 2 - 4 की वैल्यू फाइंड करनी है. अब यहाँ से क्लियरली हमें पता चल रहा है कि x की जगह 2 पुट किया गया है और y की जगह 4 पुट किया गया है. तो दूसरी साइड पे भी जहाँ x आ रहा था वहाँ आप 2 पुट कर दें, क्यूब रूट एज इट इज़, और इस x की जगह अगेन 2 पुट कर दिया हमने और y की जगह 4 पुट कर दिया. 4 × 2 = 8, 8 का क्यूब रूट लेंगे तो वो 2 आएगा, उसको 2 में प्लस कर दें तो आंसर 4 आ जाता है. इसी तरह से अगर कहा जाए कि एफ ऑफ टी एंड टी स्क्वायर फाइंड करें, तो अब पहले हमने टी पुट कर दिया यानी ये एक्स की वैल्यू है, और जो टी स्क्वायर है वो वाई की वैल्यू होगी. तो इस फंक्शन में जहाँ एक्स आ रहा था वहाँ हमने टी लिख दिया, और क्यूब रूट के अंदर एक्स की जगह पे टी और वाई की जगह पे टी स्क्वायर. टी और टी स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो टी क्यूब बन जाएगा. अब ये जो क्यूब है ये इस क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ टी बचेगा. और टी और टी को जब हम ऐड करते हैं तो इनके कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे. यहाँ कुछ नहीं है तो 1, इसका भी कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब है 1, तो दोनों को ऐड कर दें 2t हो जाएगा. अगर आपसे कहा जाए कि यही इसी फंक्शन को यूज़ करते हुए आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें इस पॉइंट पे, जहाँ x की जगह 2y² पुट करना है हमने और y की जगह 4y पुट करना है. तो अब ये जो x था उसकी जगह पुट कर दिया 2y²,
क्योंकि हमें यहाँ x की वैल्यू 2 बाय स्क्वायर दी हुई है, साथ में प्लस क्यूब रूट ऑफ x की जगह 2 बाय स्क्वायर और y की जगह 4 बाय। अब 4 टू जर 8, वाई स्क्वायर वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाई क्यूब हो जाएगा। अब वाई क्यूब जो है ये क्यूब तो क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 8 का अगर क्यूब रूट लें तो वो 2 आता है, तो ये आंसर आ जाएगा 2 वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई। अच्छा जी, जैसे हमने फंक्शन देखा है एक वेरिएबल के अंदर उसे हमने एफ ऑफ एक्स लिखा, दो वेरिएबल्स के अंदर हमने देखा है तो उसको हमने एफ ऑफ एक्स वाई लिखा है, और अब तीन वेरिएबल्स के अंदर अगर फंक्शन आ जाए तो उसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई जी, और दूसरी साइड पे भी एक्स वाई जी तीनों आपके पास वेरिएबल्स आ रहे होंगे। अब इसकी एग्जांपल पहली उन्होंने दी है कि आप एक्स की जगह 0 पुट कर दें, वाई की जगह 1/2 पुट कर दें और जी की जगह भी 1/2 पुट कर दें। तो आपने दूसरी साइड पे भी सेम काम करना है, 1 एज इट इज़, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 1/2 और जी की जगह 1/2। अब क्योंकि एक्स वाई जी का स्क्वायर था तो इसलिए इनकी तीनों वैल्यूज़ का भी स्क्वायर आएगा, 0 स्क्वायर तो ख़त्म हो जाएगा, 1 एज इट इज़, 1/4 है तो इसका स्क्वायर लेने, अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे 1/2 का तो वो 1/4 आ जाएगा, यहाँ भी 1/2 का स्क्वायर लें तो 1/4। अब इनका एलसीएम ले लें, जब इसके साथ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 1 ओवर 4, ये हमने एलसीएम लिया, 4 माइनस 2 2 होगा, कटिंग कर लें, 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, 1/2 आपके पास इसका आंसर आ जाता है। इस तरह से मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ तीन वेरिएबल्स के अंदर एक फंक्शन दिया हुआ है आपको और कहते हैं कि उसकी वैल्यू फाइंड करें जब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 2 है। तो ये जो x था उसकी जगह आपने 2 पुट कर दिया, y की जगह 1 पुट कर दिया और z का क्यूब है तो 2 का क्यूब आ जाएगा, ये 3 एज इट इज़ क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है, उसकी तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब 2 एज इट इज़, 1 का स्क्वायर ले लें, 2 का क्यूब ले लें जो कि 8 आता है, 8 टू ज़ार 16, 16 प्लस 3 19। सिमिलरली अगर तीनों वैल्यूज़ को 0 पुट कर दिया जाए, x भी 0 है, y भी 0 है और z भी 0 है, तो इक्वेशन के इस साइड पे भी सेम काम करेंगे, x, y, z की जगह 0 पुट कर दें, सारे 0 आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे और ये प्लस 3, 0 प्लस 3 के आंसर दे देगा 3। अगर कहा जाए कि इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें a, a, a पर, यानी x की वैल्यू भी a है, y की वैल्यू भी a है और z की वैल्यू भी a है, तो इस x की जगह आपने a पुट करना है, y की जगह भी a का स्क्वायर आ जाएगा और z क्यूब की जगह a का क्यूब आ जाएगा। अब अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाया करती हैं, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, a पर 6 और ये 3 एज इट इज़। अब इस फंक्शन में देखें तो हमें x की वैल्यू t पुट करनी है, y की वैल्यू t स्क्वायर पुट करना है और z की जगह पे माइनस t पुट करना है। अब ये जो x था उस x की जगह आप पुट कर दें t, ये जो y स्क्वायर है उसकी जगह t स्क्वायर का स्क्वायर होगा क्योंकि y की वैल्यू t स्क्वायर थी, वो t स्क्वायर लिखा, अब हमें y का स्क्वायर लेना है यहाँ पे, तो इसलिए t स्क्वायर का अगेन स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद आपके पास आता है z, z की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस t है और z का क्यूब दिया हुआ है हमें यहाँ पे, तो इसलिए माइनस t का भी क्यूब आ जाएगा। अब इवन पावर हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, ऑड पावर हो तो माइनस ख़त्म नहीं होता। अब ये क्योंकि ऑड पावर है इसलिए ये माइनस ख़त्म नहीं होगा, इस माइनस को एज इट इज़ नीचे ले आएंगे और बाद में आप इसको बाहर लिख लें। अब 2 टू ज़ार यहाँ पे 4 हो गया, इसमें भी देखें तो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, टी पर 8 प्लस 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, फंक्शन के माने थ्री वेरिएबल्स के अंदर एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई जी, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जी फोर। अब इसके अंदर कहते हैं कि एक्स टी की वैल्यू है टी क्यूब, वाई टी की वैल्यू है टी स्क्वायर और जी टी की वैल्यू है टी। आपसे कहा गया है कि आपने इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है एट एक्स टी, वाई टी और जी टी, यानी ये जो एक्स था, ये फंक्शन के अंदर जो एक्स था उस एक्स की जगह पे एक्स टी आ गया, इस वाई की जगह पे वाई टी और जी की जगह पे जी टी। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स टी यहाँ पे पुट कर देना है एक्स की जगह पे, क्योंकि इधर एक्स की जगह एक्स टी आया है तो इस एक्स की जगह भी आपने एक्स टी पुट कर देना है, इसका स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि एक्स का स्क्वायर था। अब देखें तो यहाँ वाई की जगह आया है वाई टी, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ टी, तो इस वाई की जगह भी आपने वाई टी पुट कर देना है, वाई का स्क्वायर है तो वाई ऑफ टी का भी स्क्वायर ले लेंगे। अब जी की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है जी ऑफ टी,
जी पार फोर की जगह भी जी ऑफ टी की पार फोर आ जाएगी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे क्योंकि एक्स टी की वैल्यू तो है हमारे पास, दैट इज टी क्यूब, तो वो टी क्यूब का स्क्वायर आ गया। वाई टी की भी है टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का स्क्वायर ले लें, और जी टी की भी वैल्यू है हमारे पास टी, तो जी टी की जगह टी आ जाएगा बाय पावर फोर। अब टी की पावर यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, 3 2s are 6, 2 2s are 4 एंड ये 4, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 6 + 4 10, 10 + 4 14। अब इसी तरह से उन्होंने कहा है कि फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें एट एक्स जीरो वाई जीरो जी जीरो, तो ये जो टी क्यूब था यानी उस इस टी की जगह पे ज़ीरो पुट कर दिया हमने, ठीक है, तो इस टी की जगह भी ज़ीरो आ जाएगा, एक्स ज़ीरो की वैल्यू जो है वो भी ज़ीरो होगी, वाई ज़ीरो की वैल्यू भी ज़ीरो, और जी ज़ीरो की वैल्यू भी ज़ीरो आ जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे सारे ज़ीरोज आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो फाइनल आंसर भी ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, थ्री वेरिएबल्स का अगेन फंक्शन आपको दे दिया उन्होंने और कहते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखें एक्स की जगह एक्स वाई पुट कर दिया, तो यहाँ भी आप इस एक्स की जगह क्या पुट कर दें, एक्स वाई पुट कर देंगे। अब देखें तो वाई की जगह पे उन्होंने पुट किया है वाई ओवर एक्स क्वेश्चन के अंदर, तो हमने भी यहाँ पे वाई की जगह पुट कर देना है वाई ओवर एक्स। सिमिलरली जी की जगह पे पुट किया है एक्स जी, तो इस जी की जगह भी क्या पुट कर दें, एक्स जी, और ये एक्स है तो एक्स की जगह पे क्या पुट किया था उन्होंने, एक्स वाई पुट किया था। अब इस एक्स की जगह दोबारा से क्या पुट कर दें, एक्स वाई पुट कर दें। अब ये सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ से देखें ये जो एक्स है ये इस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, इस एक्स के साथ कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बच गया वाई और ये y, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स जी है तो ये एक्स वाई स्क्वायर जी बन गया, और ये जो एक्स वाई है ये एज इट इज आ गया। ये एग्जांपल देखें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, एक फंक्शन गिवन है जी ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू जी साइन एक्स वाई, और साथ में तीन वैल्यूज आपको उन्होंने दे दी है, यू ऑफ एक्स वाई जी भी गिवन है, वी ऑफ एक्स वाई जी भी गिवन है, और डब्ल्यू ऑफ एक्स वाई जी भी गिवन है, और कहा जाता है कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए देखें हम पहले तो ये फंक्शन लिख लेते हैं, हमारे पास जो ऊपर गिवन फंक्शन है जी ऑफ एक्स वाई जी दैट इज इक्वल टू जी साइन एक्स वाई, तो आपने ये फंक्शन लिख लिया। यहाँ पे फंक्शन लिखने के बाद क्या करना है हमने कि देखें एक्स हमने जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो भी साथ में लिख लें। अब एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया, यू ऑफ एक्स वाई जी, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे कि सबसे पहले देखें जी जो है उसकी जगह क्या पुट करना है, तो आप देखें यहाँ जी लास्ट पे आ रहा है और यहाँ लास्ट पे उन्होंने हमें कहा है कि आप फाइंड करें डब्ल्यू एक्स वाई जी, तो इस जी की जगह आपने डब्ल्यू की वैल्यू पुट करनी है जो कि हमें ऊपर दी हुई है एक्स वाई ओवर जी, तो इस जी की जगह डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी। अब उसी तरह से साइन एज इट इज़ एक्स की जगह आपने देखना है कि क्या पुट किया हुआ है, एक्स की जगह पुट किया है यू, और यू की वैल्यू हमें दी हुई थी एक्स स्क्वायर जी क्यूब, तो इस एक्स की जगह आपने एक्स स्क्वायर जी क्यूब पुट कर दिया। सिमिलरली वाई की वैल्यू देखें क्या होगी, वाई की जगह क्या पुट किया उन्होंने, वी पुट किया है, और वी की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी ऑफ एक्स वाई जी, तो इस वाई की जगह पी ऑफ एक्स वाई जी पुट कर दें, और इन सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स वाई ओवर जी एज इट इज़, साइन एज इट इज़, अब ये पी एज इट इज़, एक्स की यहाँ पे पावर 2 थी और यहाँ पे 1 है तो वो ऐड होके 3 हो जाएगी, वाई सिर्फ 1 आ रहा है और जी 3 और जी मल्टीप्लाई होके जी 4 हो जाएंगे, तो इस तरह से आपने क्या किया, जी एक्स और वाई की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की जो कि यू वी डब्ल्यू के अंदर दी हुई थी। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, इसके अंदर उन्होंने आपसे कहा है कि जी ऑफ एक्स वाई का फंक्शन एक दिया हुआ है आपको, साथ में यू ऑफ एक्स वाई भी दिया है, वी ऑफ एक्स वाई भी दिया है, और कहते हैं जी के अंदर एक्स की जगह यू पुट कर दें और वाई की जगह वी पुट कर दें, इसका आंसर आपने निकालना है। तो सबसे पहले तो ये जो फंक्शन दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर जी ऑफ एक्स वाला वो आपने यहाँ पर लिख लिया। अब एक्स की जगह हमने क्या पुट किया था यहाँ पे, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो एज इट इज़ यहाँ लिख लें, और देखें दूसरी साइड पे क्या है,
वाई, वाई की जगह क्या पुट करना है हमने, इस वाई की जगह देखें तो वी पुट किया हुआ है, ठीक है जी। और वी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वी की वैल्यू हमें उन्होंने दे दिया है पाई एक्स वाई, तो आप क्या करें इस वाई की जगह क्या पुट कर देंगे, पाई एक्स वाई पुट कर देंगे। अब ये साइन एज इट इज़, एक्स एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, एक्स की जगह यू पुट किया है और यू की वैल्यू हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो आपने इस एक्स की जगह एक्स स्क्वायर वाई क्यूब पुट किया, एक्स का क्योंकि स्क्वायर था तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर आएगा। अब साथ में वाई आ रहा है, वाई की जगह वी पुट किया है और वी की वैल्यू है पाई एक्स वाई, तो इस वाई की जगह आपने पाई एक्स वाई की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी। पाई एक्स वाई एज इट इज़, साइन भी एज इट इज़, ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स टू है और ये एक्स वन है, और तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर पहले ओपन कर लें, यहाँ से ये स्क्वायर आ रहा था ना तो इसको ओपन कर लें, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर फोर हो जाएगा, वाई थ्री की पावर टू है तो वो सिक्स हो जाएगी, साथ में पाई एक्स वाई एज इट इज़। अब एक्स वाली पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, वाई वाले आपस में, और पाई को आप स्टार्ट में लिखते हैं। सो बात कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, टू वेरिएबल एंड थ्री वेरिएबल, इनको हम ऊपर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से हम इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपने इनकी डेफिनेशंस देखनी है। फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, अगर हमारे पास फंक्शन में सिर्फ एक रियल वेरिएबल हो जो कि एफ ऑफ एक्स को वैल्यू असाइन करता है फॉर ईच पॉइंट एक्स, यानी एक ही पॉइंट है उस पर एक ही रियल वेरिएबल है जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। अगर इसी तरह से फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की बात की जाए तो इसके अंदर हमारे पास टू रियल नंबर्स होते हैं, जैसे इसमें एक था तो इसमें दो रियल नंबर्स होंगे एक्स एंड वाई, और ये वैल्यू फाइंड करेगा एफ ऑफ एक्स वाई की, और किस पॉइंट पे फाइंड करेगा, एक्स वाई पॉइंट पे फाइंड करेगा। इसी तरह से अगर थर्ड की बात की जाए फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स, तो फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास थ्री रियल नंबर्स होंगे जो कि एक्स वाई जी हैं, और ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इसमें जो पॉइंट होगा उसमें भी थ्री कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जी। तो आप देख सकते हैं कि डेफिनेशंस तीनों की सेम है, सिर्फ आपने यहाँ पे चेंज कर देनी है वैल्यूज। वैल्यूज कैसे चेंज किए हैं हमने, कि जो पॉइंट एक्स था उसकी जगह एक्स और वाई आ गया और फिर एक्स वाई जी आ गया, इसी तरह से फंक्शन की वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। जैसे हमने वन टू और थ्री की डेफिनेशन की है, इसी तरह से हम फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल्स की डेफिनेशन कर सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन ऑफ एन रियल वेरिएबल्स, जितने वेरिएबल्स थे उनके नाम हम यहाँ पे लिख रहे थे, टू वेरिएबल्स है तो हमने यहाँ पे एक्स और वाई लिखा, थ्री वेरिएबल्स है तो एक्स वाई जी लिखा, अगर एन वेरिएबल्स होंगे तो एक्स वन से एक्स एन तक हम सारे वेरिएबल्स लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स वाई जी लिखा क्योंकि तीन थे, एफ ऑफ एक्स वाई लिखा क्योंकि दो वेरिएबल्स थे, अगर एन वेरिएबल्स होंगे तो एफ के अंदर जो एक्स की वैल्यूज हैं वो वन से एन तक चलेंगी, और जो पॉइंट है उसके अंदर भी सारी वैल्यूज आपने एक्स वन से एक्स एन तक लिख देनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे पैराबोला के बारे में, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको हमेशा याद होनी चाहिए, क्या होती है उसकी जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। और पैराबोला दो तरह का यहाँ पर डिस्कस किया गया है, वैसे तो चार तरह का होता है, एक जो अपवर्ड ओपन होता है, दूसरा जो डाउनवर्ड ओपन होता है, एक जो है वो राइट साइड पर ओपन होता है, दूसरा लेफ्ट साइड, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो ही डिस्कशन की है कि जो अपवर्ड ओपन होता है पैराबोला उसके अंदर ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना ए, वो अगर जीरो से बड़ा है यानी वो पॉजिटिव है तो पैराबोला की ये शेप होती है, वो अपवर्ड ओपन होता है, और अगर ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए ये नेगेटिव है यानी लेस देन ज़ीरो है तो फिर जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड ओपन होगा, उसकी शेप कुछ इस तरह से आती है। और अगर आप पैराबोला का वर्टेक्स फाइंड करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, माइनस बी ओवर टू ए, बी क्या है यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट है और टू के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। होप सो आपको समझ आ गई होगी, और जिन क्वेश्चंस की समझ नहीं आई या कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा जो आपका क्लियर ना हुआ हो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी मेल पर भी हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको इजीली मिल सकें।